अयोध्या में निर्माणाधीन प्रभु श्री राम के दिव्य अलौकिक मंदिर का गर्भगृह अष्टकोणीय यानी ऑक्टागोनल शेप में बनाया गया है और इसके अष्टकोणीय बनाने के पीछे क्या उद्देश्य हैं एवं अष्ट सिद्धियों के विषय में जानने के लिए आइए पूरा वीडियो अवश्य देखते हैं। राम राम दोस्तों, मैं भगवान राम का वंशज अभयवीर आपका आपके चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको राम मंदिर के सबसे पवित्र एवं देव स्थान यानी रामलला के अष्टकोणीय गर्भगृह के भव्य निर्माण कार्यों के साथ ही राम मंदिर में अब तक जो भी निर्माण कार्य संपन्न हो चुके हैं उसके संबंध में सबसे लेटेस्ट एवं सबसे एक्सक्लूसिव जानकारी प्रस्तुत करूंगा। करोड़ों राम भक्तों के हृदय में बसने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के प्रति समर्पित इस चैनल में प्रभु श्री राम के आदर्श एवं मूल्य समाहित हैं, अतः इस चैनल से पूरी आत्मीयता एवं गहराई से जुड़ें। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें एवं कमेंट बॉक्स में पूरी आत्मीयता से जय श्री राम जरूर लिखें। सामने आप देख सकते हैं कि यह राम मंदिर का सबसे पवित्र एवं देवतुल्य स्थान यानी रामलला का गर्भगृह का अद्भुत परिदृश्य है और यहाँ पर वर्तमान में पूजन अर्चन कार्य संपन्न किया जा रहा है एवं इस गर्भगृह की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह यह है कि यह अष्टकोणीय है यानी ऑक्टागोनल शेप में बनाया गया है एवं वास्तुशास्त्र के नियमों में ऑक्टागोनल आकृति यानी अष्टकोणीय संरचना को बहुत अधिक पवित्र माना जाता है एवं हिंदू धर्म शास्त्रों एवं वैदिक परंपरा में भी अष्टकोणीय गर्भगृह को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। सामने आप देख सकते हैं कि यह तांबे की पाइपनुमा जो संरचना है ठीक इसी स्थान पर रामलला की मूर्ति की स्थापना की जाएगी जो कि जनवरी 2024 में जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी तो ठीक इसी स्थान पर रामलला की जो मूर्ति श्री राम जन्मभूमि कार्यशाला में बनाई जा रही है उसको इसी स्थान पर स्थापित किया जाएगा और यहां पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यों के पश्चात ही सभी राम भक्तों को इसी गर्भगृह परिसर में लगभग 35 फीट की दूरी से रामलला के दर्शन आसानी से प्राप्त हो सकेंगे। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट एवं राम मंदिर निर्माण समिति के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जानकारी के अनुसार रामलला का जो गर्भगृह है वह अष्टकोणीय हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ही बनाया जा रहा है और इसके विषय में यह भी मान्यता है कि जब कोई भवन या कोई मंदिर बनाया जाता है तो उसमें कई कोण भी रखे जाते हैं एवं सनातन धर्म में वास्तुशास्त्र को विशेष रूप से महत्व प्राप्त है और जब कोई भी भवन का निर्माण कार्य किया जाता है तो उसमें विशेष रूप से कोणों को विशेष रूप से महत्व दिया जाता है एवं अष्टकोणीय मंदिर बनाने का साफ अर्थ है कि मंदिर में साधना, भजन, दर्शन, कीर्तन या फिर उपासना करने वाले भक्तगण आठों प्रकार की सिद्धियों को पूरी तरीके से प्राप्त कर लें, इसी मकसद से अष्टकोणीय गर्भगृह का निर्माण कार्य किया जाता है। रामलला के गर्भगृह को अष्टकोणीय बनाने के संदर्भ में वैदिक मान्यताओं में आठ सिद्धियों का भी वर्णन किया गया है एवं इन आठों सिद्धियों को संस्कृत के प्रसिद्ध श्लोक द्वारा इसका वर्णन किया जाता है कि अरिमा महिमा चैव लघिमा गरिमा तथा प्राप्ति ही प्राकाम मिषित्वम वशित्वम चाष्ट सिद्धयः। और इसका सीधा अर्थ है कि अरिमा महिमा लघिमा गरिमा तथा प्राप्ति प्राकाम मिषित्व और वशित्व ये सिद्धियाँ अष्ट सिद्धियाँ कहलाती हैं और सिद्ध शब्द का तात्पर्य है कि ऐसी परलौकिक आत्मिक शक्तियों से है जो तप और साधना के द्वारा सभी भक्तों को प्राप्त होती है एवं हिंदू धर्म शास्त्रों में अनेक प्रकार की सिद्धियां वर्णित हैं जिनमें इन आठों सिद्धियों को
का विशेष रूप से स्थान माना गया है और जिन्हें अष्ट सिद्ध भी कहा जाता है। प्रभु श्री रामलला के दिव्य गर्भगृह को वास्तु शास्त्र के नियमों के अनुसार सबसे पवित्र एवं अष्टकोणीय आकार में निर्मित किया गया है और इसका सीधा उद्देश्य यही है कि जो भी राम भक्त प्रभु श्री रामलला का पूरी आत्मीयता से दर्शन करें उनको सभी आठों सिद्धियों एवं नवनिधियों की प्राप्ति अवश्य हो। और इसके संदर्भ में राम भक्त हनुमान के विषय में एक चौपाई भी प्रचलित है जो कि उनका एक प्रकार से स्तुतिगान है जिसमें कहा गया है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, यानी राम भक्त हनुमान को आठ सिद्धियों एवं नवनिधियों का वरदान माँ जानकी ने दिया था और कहते हैं कि इन्हें संभालने की जो शक्ति थी वह केवल महाबली हनुमान में ही थी। और दुनिया में सबसे कीमती वस्तुएं हैं नवनिधियाँ, जिन्हें पा लेने के बाद किसी भी प्रकार के धन एवं संपत्ति की आवश्यकता नहीं रहती है। और हनुमान जी के पास आठ प्रकार की सिद्धियाँ थीं और इनके प्रभाव से वे किसी भी व्यक्ति का रूप धारण कर सकते थे। अष्टकोणीय गर्भगृह में जो आठों कोण हैं वे बहुत अधिक शुभता के संकेत होते हैं और इनकी दीवारों पर वैदिक परंपरा के देवी देवताओं सहित यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां भी यहाँ आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही होंगी। और यहाँ पर नागर वास्तु शिल्प के अनुसार ही रामलला के गर्भगृह का भव्य निर्माण कार्य किया जा रहा है एवं गर्भगृह के सम्मुख क्रमशः विशालकाय होते तीन मंडप आपको दिखाई पड़ रहे होंगे जिनमें मंदिर की परंपरा में जगमोहन कहा जाता है। राम मंदिर के सबसे पवित्र एवं देवतुल्य स्थान यानी रामलला के गर्भगृह के भव्य निर्माण कार्यों के साथ ही अष्टकोणीय गर्भगृह के संबंध में हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको जरा भी पसंद आई हो तो इस चैनल का हृदय से समर्थन करें, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें एवं कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। राम मंदिर के संपूर्ण गर्भगृह के परिसर को मकराना के खूबसूरत संगमरमर के द्वारा सजाया गया है और यह संगमरमर दुनिया के सबसे उत्कृष्ट संगमरमर में से एक हैं क्योंकि इनमें 100% कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा पाई जाती है और जो कि विश्व में सबसे उच्च गुणवत्ता वाले संगमरमर माने जाते हैं। और आप गर्भगृह परिसर से जब आप सीधे देखेंगे तो आपको सीधे कोली मंडप दिखाई पड़ेगा और इसी कोली मंडप से होते हुए सभी राम भक्त रामलला के दर्शन कर पाएंगे क्योंकि गर्भगृह के अंदर परिसर में जाने के लिए सभी को इजाज़त नहीं मिल सकती है। यहाँ पर केवल धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मुख्य पुजारी को ही जाने की अनुमति होगी। कोली मंडप के यदि आप आगे बढ़ेंगे तो आपको गूढ़ मंडप दिखाई पड़ेगा जिसके दोनों ओर कीर्तन एवं प्रार्थना मंडप बनाए गए हैं। यहाँ पर लगभग 25,000 से अधिक श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था की जाएगी जो कि रंग मंडप परिसर को भी इसमें जोड़ा गया है ताकि सभी श्रद्धालु किसी प्रकार की अव्यवस्था का शिकार ना हो। अतः इन मंडपों को भी विशाल आकार में बनाया गया है ताकि राम भक्त रामलला के दर्शन के साथ साथ यहाँ भजन एवं कीर्तन का भी विशेष रूप से आनंद प्राप्त कर सकें। राम मंदिर के संपूर्ण निर्माण कार्यों की बात करें तो भूतल परिसर का लगभग 96% कार्य पूर्ण हो चुका है एवं गर्भगृह परिसर के आसपास जो भी परिक्रमा पथ है वहां पर फर्श के निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। और मैंने आपको पूर्वज जानकारी दी थी कि राम मंदिर के फर्स्ट फ्लोर एवं सेकंड फ्लोर के निर्माण कार्यों को भी तेजी से किया जा रहा है एवं फर्स्ट फ्लोर के निर्माण कार्यों की जो नवीनतम कार्य प्रगति है उसमें लगभग 80% से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका है क्योंकि स्तंभों को लगाए जाने की जो प्रक्रिया है वह युद्ध गति से की जा रही है एवं दिन प्रतिदिन यहाँ पर मजदूरों की संख्या बढ़ाई जा रही है। और पूर्व पीढ़ियो में मैंने आपको बताया था कि 500 से अधिक मजदूर दोबारा पढ़ाए गए हैं लेकिन यह सूचना दोबारा प्राप्त हुई है कि 100 मजदूरों को फिर से बढ़ा दिया गया है, यानी इस प्रकार से 3,600 से अधिक श्रमिकों की मदद से राम मंदिर का
दिव्य निर्माण कार्य किया जा रहा है और इसे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है और इसी के लिए निर्माणाधीन संस्था LNT एवं श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा गहन प्रयास भी किए जा रहे हैं। दोस्तों, राम मंदिर के देवस्थान यानी रामलला के गर्भगृह के अष्टकोणीय निर्माण कार्यों के संबंध में हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको जरा भी पसंद आई हो तो इस चैनल का पूरी आत्मीयता एवं भक्ति भाव से समर्थन करें। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें एवं कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद। राम राम। राम राम।